हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी की कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से डेटा को स्टोरेज करती है और यहाँ से सीपीयू किस तरह से डेटा को एक्सेस करता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और फ्लैश मेमोरी के बारे में वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं और उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज के टॉपिक में कैश मेमोरी के बारे में जानेंगे, कैश मेमोरी के बाद परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहते। शॉर्ट मैसेज के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कैश मेमोरी एक स्मॉल चिप कंप्यूटर मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर होती है। अगर इसके लेवल्स की बात करें, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री होते हैं। लेवल वन में ये सीपीयू के अंदर होती है, लेवल टू में ये सीपीयू के बाहर होती है और लेवल थ्री जो होता है इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का वर्क करता है। यह सीपीयू के अंदर होती है और यह उन डेटा को स्टोरेज करती है जिस डेटा की या प्रोग्राम्स की सीपीयू को रेगुलर या बार बार नीड पड़ती है। सीपीयू उन डेटा या प्रोग्राम्स को कैश मेमोरी में स्टोरेज करके रखता है जिसकी उसको बार बार जरूरत पड़ती है, जबकि उसे उन डेटा को बहुत ही हाई स्पीड में एक्सेस कर सके। और इसकी स्पीड की बात करें, सीपीयू को कैश मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने के लिए केवल 45 नैनोसेकंड्स लगते हैं और एक सेकंड में 1000 नैनोसेकंड्स होते हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि सीपीयू कैश मेमोरी से डेटा को कितनी हाई स्पीड में एक्सेस करता है। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसका यूज सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। यह प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफी कॉस्टली होती है और इसकी स्पीड इन दोनों से ज्यादा होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डेटा एवं प्रोग्राम्स को डिस्क से प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी से कैश मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वहां से सीपीयू उन डेटा प्रोग्राम्स को इजिली एक्सेस कर सके। जब भी सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो सबसे पहले सीपीयू उस डेटा को कैश मेमोरी के अंदर सर्च करता है कि यहाँ पे डेटा अवेलेबल है या नहीं। अगर डेटा वहां पे अवेलेबल होता है तो उसको एक्सेस कर लेता है और अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक होता है कैश हिट, एक होता है कैश मिस। कैश हिट क्या होता है, जैसे सीपीयू ने कोई भी डेटा वहां पे सर्च किया, उसको वहां पे डेटा मिल गया तो आता है कैश हिट के अंदर, और जैसे ही वहां सीपीयू ने कोई डेटा सर्च किया उसको डेटा वहां पे नहीं मिला तो उसको बोलते हैं कैश मिस, यानी कि डेटा वहां पे सीपीयू ने सर्च किया लेकिन वहां पे वो अवेलेबल नहीं है तो वहां पे क्या हुआ, कैश मिस हुआ। इसको कैश डिले भी बोल सकते हैं, यानी कि सीपीयू को यहाँ पे टाइम देना पड़ा और उसको वहां पे डेटा नहीं मिला। अब कैश मेमोरी के टाइप्स की बात करें, यानी कि इसके लेवल्स होते हैं, थ्री लेवल होते हैं, लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री। लेवल वन में क्या होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन कैच, यानी कि ये सीपीयू के इंस्ट्रक्शन डेटा को स्टोर करके रखती है। ये साइज में काफी इसका साइज कम होता है, और इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है 2KB से 64KB होती है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है काफी फास्ट होती है। ये सीपीयू के अंदर होती है और इसकी स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होती है और लेवल्स की तुलना में। कैश मेमोरी के लेवल टू की बात करें तो कैश मेमोरी का जो लेवल टू है ये हो सकता है सीपीयू के अंदर हो या फिर बाहर हो। अगर ये बाहर होती है तो इसको हाई स्पीड बस के द्वारा सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है और इसका जो साइज होता है, इसका साइज लेवल वन की तुलना में ज्यादा होता है। इसके साइज 256KB से 512KB होता है, यानी ये ज्यादा स्टोरेज करती है लेवल वन की तुलना में, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी लेवल वन से कम होती है। अब कैश मेमोरी के लेवल थ्री की बात करें तो ये जो मेमोरी होती है सीपीयू के बाहर होती है, जो कि मदरबोर्ड में होती है, इसका वर्क होता है लेवल वन और लेवल टू कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना, यानी कि ये लेवल वन और लेवल टू की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। इसका साइज भी बड़ा होता है, इसका साइज 1MB से 8MB के बीच होता है, यानी कि ये साइज में लेवल वन और लेवल टू से ज्यादा होती है, लेकिन इसकी स्पीड सबसे कम होती है। लेवल वन और लेवल टू की तुलना में इसकी स्पीड लेवल टू से भी कम होती है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज यहाँ पे कैश मेमोरी के बारे में जाना, कैश मेमोरी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है और किस टाइप्स के डेटा को ये स्टोर करती है और सीपीयू यहाँ से किस तरह से डेटा को एक्सेस करता है और इसके लेवल्स के बारे में जाना, लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री, इनका सबका क्या क्या वर्क होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा कैश मेमोरी के बारे में दी गई ये बेसिक जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।